Gaining weight is another problem that is increasing day by day in our population. तो पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई व्हाट हैज हैपन्ड द बॉडी इज लूजिंग वेट ऑल्सो. हाँ सपोज योर बॉडी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज व्हाट एवर यू फीड योर बॉडी और द टिश्यूज आर नॉट मेड प्रॉपरली. अगर आपके शरीर में सप्त धातु नहीं बन रहे हैं तो वेट तो आपका लूज होना चालू रहेगा. सो धातुस्खलन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज धातुस्खलन. दैट मीन्स द मेटाबॉलिज्म हैज गॉन वेरी वीक. तो दो तरीके के काम होते हैं व्हेन मेटाबॉलिज्म गोज वीक. इफ द मेटाबॉलिज्म गोज वीक ईदर वन एंड द रिस्क इज हायर इन द बॉडी, तो या तो आपका वेट बढ़ जाएगा. सबसे पहला, द बॉडी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ बाई गेनिंग वेट. सबसे पहला काम क्या करता है, बॉडी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ बाई गेनिंग वेट, वेट गेन करके. दूसरा, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ द मेटाबॉलिज्म इज डाउन देन इट स्टार्ट्स लूजिंग वेट. फिर वो वेट लूज करना चालू कर देगा इफ द गेनिंग वेट डजेंट हेल्प. ऐसा है ना, आप एक काम करेंगे वो काम नहीं किया तो फिर आप वो काम नहीं करेंगे. तो बॉडी वॉन्ट्स टू गेन वेट तो एंड इट विल इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, ये बढ़ाएगा, फैटी लिवर होगा, एडिपोज फैट बढ़ेगा, विसरल फैट बढ़ेगा और कॉर्टिसोल बनेंगे, सेरोटोनिन बनेगा और उससे आपका रिस्क कम हो. सो वेट गेन इज रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म ऑफ बॉडी. शरीर अपना रिस्क कम करता है वेट गेन करके. नाउ इफ इट डजंट वर्क, अगर वो काम नहीं कर रहा, स्टिल देर इज रिस्क. सो व्हाट विल हैपन, योर बॉडी विल स्टार्ट लूजिंग वेट. नाउ फॉर इन सम पीपल हु हैव वात प्रकृति, जिनका वात प्रकृति है उनका तो वेट बढ़ेगा ही नहीं, बॉडी विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज वेट. सो इट विल गो टुवर्ड्स रिड्यूसिंग वेट ओनली. प्रॉब्लम कहां पे है, जस्ट सी वेयर इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कहां पे है, मेटाबॉलिक वीकनेस. बॉडी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज, कहते हैं गृहपत्य अग्नि आपकी खराब कमजोर हो गई है. बॉडी यूज नहीं कर पा रहा जो फीड कर रहे हैं आप बॉडी को. तो धातु बन नहीं रहे तो धातु स्खलन. ना हाउ कैन यू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, इन वेट गेन, इन वेट लॉस, इन बोथ द थिंग्स यू हैव टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म. है कि नहीं, दोनों का सोल्यूशन एक ही है, अलग अलग नहीं है. सो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे, पीपल हु आर नॉट एबल टू गेन वेट देर वेट विल स्टेबलाइज नॉर्मलाइज एंड पीपल हु हैव लॉट ऑफ वेट देर वेट विल कम डाउन. दोनों ही मेटाबॉलिज्म बढ़ा के करेंगे. देर इज अदर अनदर फैक्टर, इम्यून सिस्टम को भी बैलेंस करना पड़ता है. विल नॉट टॉक अबाउट दैट, इट विल बिकम टू कॉम्प्लेक्स. मगर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का तरीका क्या है, व्हाट इज द वे टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, इज देयर अ मेडिसिन फॉर इट. क्या कोई मेडिसिन है जो मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा आपका, देर इज नो मेडिसिन. कैन यू इंक्रीज इंप्रूव योर मेटाबॉलिज्म बाय ऑल्टरिंग योर डाइट. क्या डाइट बदल के आप मेटाबॉलिज्म ऑल्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज योर बॉडी स्ट्रेंथ, उसको आप डाइट से ऑल्टर नहीं कर सकते. सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ मेटाबॉलिज्म मैं आपको दे रहा हूं. यू कैन ऑल चेक इफ योर मेटाबॉलिज्म इज प्रॉपर और नॉट, सभी चेक कर सकते हैं. फॉर्मूला बताऊं, सो आई विल टॉक मेटाबॉलिज्म इन वन सेंस, एक सेंस में बताऊंगा वेर यू कैन डू एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो यू कैन करेक्ट इट. प्रैक्टिकल वे में मेटाबॉलिज्म डिफाइन करूंगा. देर आर मेनी वेज इन विच मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइन. मेटाबॉलिज्म आपकी याददाश्त के ऊपर भी डिफाइन किया जा सकता है, मेमोरी, फोकस, है ना, एनर्जी लेवल्स, इन सबके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, बट यू कांट करेक्ट इट. सो आई एम डिफाइनिंग मेटाबॉलिज्म, यू कैन ऑल चेक, आप सभी चेक कर सकते हो. वन वे, कुंभक का एक तरीके से हम मेटाबॉलिज्म डिफाइन कर सकते, ठीक है ना. कुंभक, व्हाट इज कुंभक, अभी किसी ने पूछा था. कुंभक बेसिकली इज योर एक्शन मैकेनिज्म. आप कोई भी काम करते हैं वो कुंभक के जरिए ही कर पाते हैं.
है ना, ब्रेथ होल्ड इज जस्ट वन फैक्टर। वी आर डिफाइनिंग कुंभक इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ होल्ड, क्योंकि वो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। अदरवाइज यू आर रिटेनिंग मेमोरी। किसी चीज को रोकना जो है वो कुंभक होता है। आप याददाश्त रोकते हैं ना, याददाश्त है आपके अंदर, मेमोरी कैसे है, कुंभक के जरिए। प्राण को रोक रखा है, अदरवाइज यू विल डाई, द प्राण विल गो अवे एंड यू विल डाई। हाउ इट इज हैपनिंग, हाउ यू आर होल्डिंग योर प्राण थ्रू कुंभक। सो कुंभक इज बेसिकली द एक्शन मैकेनिज्म, द लाइफ मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। ब्रेथ होल्ड इज वन वे इन विच वी डिफाइन कुंभक। सो इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ, इफ यू इनहेल मैक्सिमम, सांस मैक्सिमम जितना आप ले सकते हैं, सपोज यू टेक ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड्स, सांस की इनहेलेशन फॉर 10 सेकेंड्स, इफ यू एटलीस्ट होल्ड विदाउट डिसकंफर्ट फॉर 4 टाइम्स मोर देन दैट, 40 सेकेंड्स, तब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। देन योर मेटाबॉलिज्म इज ओके गुड। आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा, आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा। सो योर मेटाबॉलिज्म इज डाउन, बट हाउ टू इंक्रीज इट, अब आपको फॉर्मूला पता चला। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म, यू शुड प्रैक्टिस कुंभक टू इंक्रीज योर होल्डिंग कैपेसिटी बाय एटलीस्ट 4 टाइम्स मोर देन इनहेलिंग कैपेसिटी। आपकी इनहेलिंग कैपेसिटी अगर 4 गुना ज्यादा है होल्डिंग कैपेसिटी से, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। बट दिस इज जस्ट वन वे, यू विल हैव टू ऑल्सो यूज योर बॉडी, यू विल ऑल्सो हैव टू यूज योर फोकस। इसीलिए जो फॉर्मूला हम देते हैं इसके अंदर, इसमें देर आर मेनी थिंग्स दैट वी गिव टू रिजुविनेट योर ऑर्गन। यस, देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड सर्वांग हठकुंभक। सर्वांग हठकुंभक इट रिजुविनेट्स ऑल द ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, किडनी, लिवर, हार्ट, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इन सभी को रिजुवनेट करने का तरीका सर्वांग हठकुंभक, वेर यू होल्ड योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर पोजिशन एंड फोकस। देर इज अ मेथड कॉल करला कटाई। करला कटाई का एक स्मॉल पार्ट इसमें इंक्लूड किया गया, वेर यू यूज अ स्टिक और अ वेट टू एक्चुअली डायरेक्ट योर कुंभक एट अ सर्टन एरियाज ऑफ योर बॉडी, जिससे कि आपके मसल शेपिंग या बॉडी शेपिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। इफ योर बॉडी इज नॉट इन अ राइट शेप, इट विल गेट इन टू अ राइट शेप, देन देर इज अनदर मेथडोलॉजी ऑफ इंक्रीजिंग द मेटाबोलिज्म, द फ्लो फैक्टर इन साइड योर बॉडी। तो ये बहुत स्पेशलाइज प्रैक्टिसेस हैं मेटाबोलिज्म बढ़ाने के। ओनली देन इफ यू इंक्रीज इंप्रूव योर मेटाबोलिज्म, ओनली देन योर वेट विल स्टेबलाइज। ज्यादा है तो कम होगा, कम है तो स्टेबलाइज होके बढ़ेगा।